तो देखो पहले इसमें क्या करना है, तभी लगेगा जब आप श्वास को बाहर छोड़ देंगे, जब आप श्वास इनहेल करेंगे तब नहीं लगेगा। ठीक है, तो सांस को बाहर छोड़ दीजिए, फिर जालंधर बंद, फिर अधो मार्ग का आकुंचन कीजिए और फिर पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ लीजिए। ये तुरंत नहीं आएगा साक्षी जी। हम क्या होता है ना कि कई बार ना हम प्रैक्टिस गलत तरीके से कर लेते हैं ना, तो उसमें ही हमें इजी लगने लग जाता है। अरे ये तो आसान है, पहले मूल बंद लगाइए, उद्यान लगाइए, फिर चलना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, फ्रीज हो गया आपका। आपकी वीडियो सॉरी, नहीं आ रही है। अभ्यास आप जैसा करेंगे ना उसमें ही आप परिपक्व हो जाएंगे। समझ रहे साक्षी कि सर आप, आपको लगता है सर कैसे करेंगे, नहीं होगा। ठीक है, सर आपकी तो आप आवाज ही कर, चली गई थी। वो मैं म्यूट किया था, कॉल आया था, एक कॉल आ गया था अर्जेंट। ओके ओके ठीक है, हाँ, तो आप अभ्यास जैसा करते हैं ना वैसा हो जाते हैं। आप गलत अभ्यास करने लगेंगे ना तो वही आपके लिए सही हो जाएगा। जैसे आप कल मैंने पूछा था उज्जाई, मैक्सिमम लोगों ने, आपने गलत आंसर दिया था कि नहीं। आपको लगता है अरे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। तो अभ्यास है, योग तो कंप्लीट अभ्यास का है, और व्यवहारिक दृष्टिकोण से और बुक में है वो बहुत डिफरेंस हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये साक्षी जी आप जो कर रहे हैं वो गलत है, तो वो भी सही है। आप पहले मूल बंद, उड़ियान और फिर ज्यादातर बंद ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन ये जो विधि है ये तभी लगे। कुछ विधि में ना रिस्ट्रिक्शन होती है, आप तो सांस लेके तब आप करोगे नहीं होगा, विधि प्रॉपर करोगे तो हो जाएगा। बुक में कई बार है कुछ कुछ चीजें ना हिडन रहती है, इसमें ना श्वास के बारे में नहीं दिया है कि आपको कब श्वास लेना है छोड़ना है। श्लोक में आप देखा होगा, आपने देखा होगा कि श्वास के बारे में जिक्र नहीं है, बस लगा बताया है कि आपको पहले चिन लॉक करना है, जालंधर बंध लगाना है, फिर मूल बंध लगाना है, फिर उडियान बंध लगाना है ना। लेकिन ब्रीदिंग के बारे में ये थोड़ी सी कमी है। ब्रीदिंग पे आप अगर आप ध्यान दोगे तो जब आप सांस छोड़ोगे तभी लगेगा। सांस छोड़िए, देखिए आप इजिली लगा पाएंगे, नहीं लगेगा तो एक दो दिन प्रैक्टिस करेंगे लग जाएगा। ठीक है, काश ये संभव हो पाता कि मैं आपको ये चीजें दिखा पाता, बट आप करो, है ना, हो सर जाएगा। हम तो आपके सौभाग्य रहेगा हमारा कि एक दिन आप प्रैक्टिकल भी कुछ बताइए। सोच रहे हैं, देखते हैं, अभी ऐसा कुछ होता है तो मैं वीक में एक दिन जरूर आपको प्रैक्टिकल सेशंस भी, इस तरह की कोई अगर व्यवस्था बनती है, बात होगी सर से, तो मैं आपको प्रैक्टिकली नॉलेज भी दूंगा कि एक और कैसे मेरी नहीं करना। माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम ओम करते हैं तो 3 बार ही क्यों करते हैं अधिकांश? देखो बड़ा सरल है, कितने प्रकार के दुख आपने पढ़े हैं, तीन तीन कौन कौन से, तीन आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक। यही। देखो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके अलग भी आंसर हो सकते हैं। इन तीनों प्रकार के दुखों को समाप्त करने के लिए हम 3 बार शांत, आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर 3 बार हम शांति क्यों करते हैं, शांति शांति शांति, कभी आया ऐसा प्रश्न? इसके बारे में सुना है सर, ये 3 बार जो है ना, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक, उसी के लिए 3 बार शांति शांति बोलते हैं ना। एग्जैक्टली, ठीक है, वैसे ही हम ओम मंत्र का भी 3 बार उच्चारण करते हैं। ठीक है, ओके, जी सर, थैंक यू सर। आप ऐसा मन में कई प्रश्न भी आ सकते हैं। देखो ये जो अध्यात्म है ना, ऐसे प्रश्न आएंगे ना, ऐसे ऐसे जब आप बैठोगे ना तो प्रश्नों का पिटारा आएगा। आप कहोगे कि सर 1 बार 108 बार हम मंत्रों के उच्चारण क्यों करते हैं, तो वो फिर कभी। चलो हम अभी, बहुत ऐसे प्रश्न आएंगे आपके मन में जब आप सोचोगे, इसके अंदर जाओगे डीप में। योग तो ऐसा विषय, समुद्र है ना, तो पहले डुबकी लगाओ,
किनारा हम लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब जो है क्या देख रहे थे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे? 54 प्राणायाम देखा था। कौन कौन से प्राणायाम देखा था? तो प्रकाश डालिए, एक व्यक्ति प्रकाश डालिए। सूर्य भेदी और उज्जायी प्राणायाम देख लिया था। ठीक है हिमांशु, थोड़ा सा सूर्य भेदी पे प्रकाश डालो। सर इसमें पहले किसी सुखद आसन में बैठना था, फिर राइट नोस्टल से धीरे धीरे श्वास को लेना था, फिर कुंभक लगाना था, उसके बाद लेफ्ट से एक्सहेल करना था। ठीक है, कुछ हमने इसके लाभ भी बताए होंगे। जी सर, पहला लाभ ये था कि मस्तक प्रदेश को शुद्ध करता है, दूसरा वात संबंधी रोगों को दूर करता है, और तीसरा था कृमि दोष को दूर करता है। ठीक है अशरफ, थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप उज्जाई पे। तो बॉयज को मैं आती नहीं है, गर्ल्स तो बहुत आगे रहते हैं, मैं उनको भी पुश करता हूँ, भाई आप भी आगे आओ। ठीक है चलिए बताइए थोड़ा। तैयार होके बैठिए है ना। चलिए अदिति जी थोड़ा प्रकाश डालिए उज्जाई पे। सर आपने बताया था उज्जैन में हमें श्वास लेनी है और हृदय तक जाएगी श्वास, उसके बाद कुंभक लगाकर लेफ्ट नॉस्टल से छोड़नी है, और सर इसमें खराटे जैसी आवाज नहीं निकालनी है, बहुत धीरे धीरे जैसे कि स्पर्श अनुभव होना चाहिए, बस इतनी आवाज निकालनी है। बहुत बढ़िया, इसके लाभ भी हमने बताए होंगे कुछ। जी सर, सर आपने कहा था कि गले में जो श्लेष्म होता है उसको हटाता है, उसके बाद डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है, और ये अकेला ऐसा प्राणायाम है, कुंभक है, जो हम खड़े होकर चलकर बैठकर कैसे भी कर सकते हैं, और नाड़ी रोग और धातु रोग को भी हटाता है, और जलोदर को भी हटाता है सर। चलो बहुत बढ़िया, अब हम शीतकाली देखेंगे। ठीक है चलो, मेरी आवाज जा रही है ना? देखो शीतकारी और शीतली, देखो आपका भी मसल सर बहुत धीरे चल रहे हैं, देखो सिलेबस खत्म करना होगा ना, तो मैं तो एक क्लास में खत्म कर दूंगा, पिछले वाले बैच से पूछ रहे ना, मेरी बहुत 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे क्लास ले सकता हूँ मैं, 4 घंटे, तो इसलिए कभी भी सिलेबस खत्म करने पीछे मत सर, जल्दी खत्म कीजिए, आराम से जाइए। ठीक है बट अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। ओके, शीतकारी और शीतली, इसको हम कूलिंग प्राणायाम भी कहते हैं, खासकर ठंड के दिनों में अवॉइड करना चाहिए इसको। ठीक है, अगर आप थेरेपेटिक दृष्टिकोण से देखें तो जिनको हाई बीपी है उनके लिए अच्छा है, लेकिन जिनको लो बीपी रहता है उनके लिए ये सही नहीं करना चाहिए। ओके अब श्लोक के दृष्टिकोण से देखते, श्लोक में क्या कह रहा है कि शीत काम कुर्यात तथा वक्रते घ्राणे नैव वृज्जिम्भाग जिम्भिकाम एवं अभ्यास योगेन कामदेवो द्वितीयकः। ये इम्पोर्टेंट है, अब इम्पोर्टेंट क्यों है कि किसमें लाभ दिया हुआ है ना, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें लाभ दिया है। कह रहा है कि शीतकार सीसी की आवाज करते हुए मुख से श्वास लेना है और क्या करना है, नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है। मुख से सांस लिया, सीसी की आवाज करते हुए, जैसे मिर्ची खा लो उसके बाद अपने आप ही शीतकारी आवाज निकलने लग जाती है, वैसे ही मुख से श्वास लेना है शीतकार की आवाज करते हुए और नाक से श्वास छोड़ देना है। इसके अभ्यास से क्या होगा, योगी कामदेव के समान, द्वितीय कामदेव, दूसरे कामदेव, पहले कामदेव तो जो देव है हमारे देवता रहे हैं कामदेव, वो पहले और दूसरे आप कामदेव बन जाओगे इसके अभ्यास से, शीतकारी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कामदेव के समान हो जाता है शरीर आपका शीतकारी के अभ्यास से। और कह रहा है कि योगिनी चक्र सम्मान्य सृष्टि संहार
कार का न क्षुधा न तृष्णा निद्रा न आलस्यम प्रजाय। तो कह रहा है कि ये जो अभ्यास है सिकदारी वो योगनियों के लिए भी प्रशंसित है, उनके लिए भी सम्माननीय है, और ये सृष्टि के संहार करता है ये, ठीक है। और न ही भूख लगेगा, न प्यास लगेगा, न निद्रा आएगी, आलस्य भी नहीं आएगा, ठीक है। ये सबको दूर करता है, ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है कि योगियों के लिए क्या है, प्रशंसनीय है और सृष्टि का संहार कारक है। न भूख लगेगा, न प्यास, निद्रा, आलस्य भी नहीं आएगा, ये लाभ में आप लिख लीजिएगा। और क्या कह रहा है इसमें कि भवेत स्वच्छंद देह अस्तु सर्वोपद्रव ववर्जिता, अनेन विधाना सत्यम सत्यम योगिंद्रो भूमि मंडले। कह रहा कि इस प्रकार के अभ्यास से आप, है ना, सीतकारी के अभ्यास से आप क्या स्वच्छंद, मतलब शरीर से परे, मतलब आपको अपने शरीर पे कंट्रोल हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाओगे और उपद्रव सारे ही उपद्रव से वर्जित हो जाओगे, है ना। उपद्रव आपको परेशान नहीं होना, मतलब कह रहे कह सकते उपद्रव से बचे रहोगे, उपद्रव हो गया, निरुपद्रव हो गया, ये सारी चीज। और इस भूमि मंडले, भूमि मंडल पर क्या है, आप एक विख्यात योगिंद्रो, योगी इंद्रो का मतलब होता है योगियों में भी श्रेष्ठ, उसको योगिंद्र कहते हैं, विख्यात योगी हो जाओगे आप इस भूमि मंडल पे, ठीक है। तो पॉइंट्स नोट करना है, बस छोटे छोटे वन लाइनर्स इसमें आप बना सकते हो, जैसे कि स्वच्छंद देह एक एक पॉइंट हो गया, सर्व उपद्रव वर्जित एक दूसरा पॉइंट हो गया, योगिंद्र लिख सकते हो बस कॉमा करके, पॉइंट्स हाईलाइट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सर वापस बता दीजिए। इसमें कह रहा है कि इसके अभ्यास से साधक को अपने स्वच्छंद देह, मतलब कि नियंत्रण हो जाता है अपने शरीर पे, एक तो ये है स्वच्छंद देह, है ना, और सर्वोपद्रव वर्जित, मतलब सारे ही उपद्रव से आप बचे रह सकते हो, उपद्रव से, और योगिंद्र हो जाओगे, मतलब योगियों में भी एक श्रेष्ठ योगी जो कह सकते हो, वो विख्यात हो जाओगे इस भूमि मंडल पे। ओके, समझ में आ गया ना। एक दो पॉइंट्स बस इसमें लिखना है और कुछ नहीं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन याद रखिए, इसको याद रखना है ना। शीतली, अब देखते हैं नेक्स्ट कि जिह्वया वायुमाकर्ष्य पूर्वत कुंभक साधनम सन काग्ररंध्राभ्याम रेचयेत पवनम सुधी। कह रहा है कि जिह्वा के माध्यम से, वो क्या था पहले वाले शीतकारी में, दांत उसमें डायरेक्ट यूज नहीं था, मुख से सांस लेना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऊपरी दांत और नीचे का जो दांत है उसको एक दूसरे पे रखकर फिर शीतकारी की आवाज निकालते हुए लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि जीव के माध्यम से, जीव को कैसे आप करते हो, रोल करते हो ना शीतली में, गोल बनाते हो और जीव के माध्यम से वायु का आकर्षण करते हो, सांस खींचते हो अपने अंदर, और फिर कुंभक लगाना है और धीरे धीरे नाक से, दोनों ही नासिका से श्वास बाहर छोड़ देना है, ठीक है। और सुधी, सुधी मतलब क्या होता है, बुद्धिमान जो साधक, उसको हम सुधी कहते हैं। समझ गए। हाँ सर जी, सर मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ पूछो पूछो। शीतकारी में भी दोनों नाक से छोड़ना है ना श्वास को? हाँ जी, ओके। देखो घ्राणी नैव वृजीविका, मतलब नाक से घ्राण, नाक से छोड़ देना है, नासिका से छोड़ देना है, रेचक करना है, दोनों ही नाक से करना है, इसमें भी दोनों नाक से करना है ना। इसमें नहीं कहा है, अगर कहा होता कि एक नाक से छोड़ना है
तो अस्पष्ट लिखा होता कि एक नाक से, जैसे उज्जाई में लिखा हुआ था है ना, चंद्र नाड़ी से छोड़ना, ईरा से छोड़ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब आता है भ्रष्ट, नहीं इसका लाभ, लाभ है, लाभ देख लेते हैं। लाभ क्या है? गुल्म रोग, गुल्म प्लीहादिकान रोगान ज्वरम पित्तम क्षुधा त्रिषाम विषाणि शीतली नाम कुंभको अन्य निहंती च। अब देखो ये महत्वपूर्ण है, क्यों? कि गुल्म रोग, प्लीहा ठीक है, ज्वर, पित्त, भूख प्यास, यहाँ पे भी है शीतली में और शीतकारी दोनों ही भूत भूख और प्यास पे नियंत्रण रखता है, ठीक है। तो गुल्म रोग, प्रीहा, वायु गोला, ये सब रोग जो है, ज्वर, पित्त, क्षुधा, भूख प्यास, ये सारे रोग को नाश करता है। और क्या? विष को भी नाश कर, विषाणी। अच्छा बताइए कौन से, और वो हमने देखा था जहां पे विष का था, मयूरासन। और कोई प्राणायाम था? नहीं सर, प्राणायाम तो नहीं, मयूरासन था ना, ठीक है। तो शीतली, शीतली एक हो गया, शीतली एक हो गया, याद रखिएगा कि, और एक आसन में कौन सा? मयूरासन। प्राणायाम में शीतली और आसन में मयूरासन, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जो विष को समाप्त करता है, ठीक है। तो ये इसके लाभ हो गया, विष के प्रभाव को समाप्त करता है। अब भ्रष्टिका, अब देखो भ्रष्टिका से भी बहुत प्रश्न आता है ना, इसको ध्यान से पढ़िए। भ्रष्टिका में क्या कह रहा है कि उर्वो उरु परिसंस्थाप्य शुभे पादतले उभे, पादतले उभे मतलब पद्मासन लगाना है, लिख दिया स्पष्ट, पद्मासनम भवेत तत सर्व पाप नाशनम। देखो एक तो ये है कि पद्मासन का लाभ भी हो गया कि सर्व पापों का नाश करता है, और दूसरा कि भ्रष्टिका का भी ये लाभ है कि सारे ही पापों को नाश करता है, ठीक। एक तो ये चीज है, पद्मासन में लगाना है, भ्रष्टिका प्राणायाम कौन से आसन में, पहला पॉइंट आप लिखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पद्मासन में लगाना है, सारे ही पापों को नाश करता है, ये महत्वपूर्ण है। और विधि यहाँ पे, सम्यक पद्मासनम पत्वा समग्रीवो उद्रम सुधी मुखम संयमम यत्नेन प्राणम घ्राणेन रेचये। सम्यक हो का मतलब स्थिर के साथ पद्मासन लगाकर आपको क्या करना है, समग्रीवो उद्रम सुधी मतलब पूरे शरीर को, गर्दन, पेट, पूरे शरीर को सीधा रखना है, है ना। और ये क्या है, सुधी का मतलब होता है बुद्धिमान साधक को, कह रहा है कि बुद्धिमान साधक को पद्मासन में लगाकर अपने पूरे शरीर को, गर्दन, पेट, पेट को पूरा सीधा रखना है, मुख को संयमित रखना है, और फिर प्रयत्न पूर्वक प्राण को नाक से छोड़ देना है। पहले श्वास को बाहर छोड़ना है ना, पहले स्पष्ट कहा है कि पहले पद्मासन में आपको श्वास को बाहर छोड़ दीजिए, इसके बाद तथा लगती हित कंठे, यथा लगती हित कंठे कपाल अवधि शशवनम। अब इसमें क्या कह रहा है कि आपको हृदय से लेके कंठ प्रदेश तक श्वास को फील करना है, ठीक है। वेगीन पुरेत च अपि हृत पद्मावधि मारुतम, और वेग पूर्वक श्वास को अंदर लेना है और हृदय प्रदेश तक महसूस करना है, वेग पूर्वक अब लेना है, और फिर पुनः विरये चेत तत्वत पुरेत च पुनः पुनः, पहले श्वास को बाहर छोड़ा, ठीक है, फिर क्या करना है, वेग पूर्वक आपको श्वास अंदर लेना है, उसको हृदय प्रदेश तक
उस वायु को, प्राण को महसूस करना है, फिर रेचक करना है, फिर पूरक करना है, फिर, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। फोर्सफुली इनहेलेशन एक्सहेलेशन, और ये कब तक चलेगा? कैसे? लोहे की धौंकनी के समान, यथैव लोह करेन भस्त्रावेगेन चालेत, तथैव सौ शरीरस्थम चालेत पवनम धिया। जैसे लोहार की धौंकनी के समान चलता है, वैसे ही अपने श्वास को चलाना है, अपने शरीर में वेग पूर्वक सांस लेना छोड़ना, अपने ही शरीर में, है ना, और ये सावधानी पूर्वक चलाना है। पवनम धिया, कब तक? यदा श्रमो भवेत देहे तदा सुरेन पुरिये, जब तक कि थकान ना आ जाए तब तक आपको इसको चलाना है। जब आप थक जाओगे तब क्या करना है? तदा सुरेन पुरिये, जब आपका शरीर, यदा श्रमो भवेत देहे, जब आपका शरीर थक जाए तब क्या करना है साधक को? सूर्य नारी, सूर्येन पूरयेत, सूर्य नारी से, दाही नासिका से पूरक करना है, श्वास खींचना है, ठीक है, पिंगला नारी से, दाही नासिका से श्वास खींचना है। ओके, यथो उद्रम भवेत पूर्ण पवनेन तथा लघु धारयेत नासिकाम, आगे विधि बता रहा है, धारित नासिकाम मध्यातर्जनीभ्याम विना दृढ़म विधिवत कुंभकम कृत्वा रेचयेत इड्या या नीलम। अब यहाँ आगे बता रहा है कि जब थक जाएगा शरीर, अब आप क्या करोगे? दाहिनी नासिका से श्वास को अंदर खींचा, ठीक है, फिर उसको क्या करना है? उदर में पवन को भरना है, पेट में। यथो उदरम भवेत पूर्ण पवनीन, पूरे वायु को अपने पेट में भरना है। धारित नासिका मध्या तर्जना बिना दृढ़म, और धारण करके नासिका, अब देखो यहां पे महत्व रखता है क्या, कि बिना मध्यमा उंगली तर्जनी उंगली, कौन सा होता है मध्यमा, किसको कहते हैं? मिडिल फिंगर, और तर्जनी किसको कहते हैं? इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर। उसके बिना मतलब मध्यमा और तर्जनी के बिना ही आपको, तो कौन सा हो गया यूज करेंगे? रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब। फिर उसकी सहायता से प्रणव मुद्रा से, हाँ जी, धारित नासिका को क्या करना है? बंद करके कुंभक लगाना, विधिवत कुंभकम, जैसे आपको आपको लगाते हैं अपनी क्षमता अनुसार कुंभक लगाना, ठीक है। और फिर क्या करना है? कृत्वा रेचयेत इड्या, और फिर ईड़ा नाड़ी से श्वास को बाहर छोड़ देना है। विधि समझ में आया? क्या ये लंबा है थोड़ा, फिर से बताऊं? हाँ सर, जी सर। देखो अब मैं आपको ना बहुत इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि क्या करना है। आपको सबसे पहले पद्मासन में स्थित होना है, पहली चीज पॉइंट। फिर अपने शरीर को, पूरे शरीर को, उदर, सिर, गर्दन, पूरे शरीर को सीधा रखना है, श्वास को बाहर छोड़ना है। पहले तो आपको सांस बाहर छोड़ना है, ठीक है, फिर क्या करना है? श्वास को फोर्सफुली इनहेल करना है, हृदय प्रदेश तक फील करना है आपको, है ना, श्वास जब लेते हो तो कंठ से लेके हृदय प्रदेश तक फोर्सफुली, और फोर्सफुली वेग से ही श्वास को बाहर छोड़ना है। ये अभ्यास कब तक करना है? जब तक कि आप थक ना जाओ। जब आप थक जाओगे तो आपको श्वास अंदर लेना है ना, वायु को अंदर लेना है, और फिर धारण करना है, दाई नासिका से पूरक करना है।
राइट नोस्टल से श्वास को अंदर खींचना, ये ध्यान रखना, ठीक है। श्वास अंदर लिया राइट नोस्टल से, और फिर इसको धारण करना है, पेट में होल्ड करना है, नाक को बंद करना है, किसकी सहायता से? लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर और थंब की सहायता से दोनों नासिका को हमने बंद किया, विधिवत कुंभक लगाया अपनी क्षमता अनुसार। इसके बाद आपको रेचक करना है ईरा नारी से, ईरा नारी लेफ्ट नोस्टल को कहते हैं, है ना, चंद्र नोस्टल को कहते हैं, उसे रेचक कर देना है। समझ गए? समझ गए? जी ठीक है, विधि आपको ध्यान में होना चाहिए। आप इस तरह से नहीं करते हो येगा, ये जहां तक मुझे पता है, कोई भी यहाँ पे ऐसे होंगे जो इस तरह से इस विधि के अनुसार भ्रस्तिका करते होंगे, है कोई ऐसा? इस तरह से करते हैं? नहीं करते ना सर, कभी कभी करते हैं कभी? ऐसे करते हो आप पक सर, जाने के ट्वेंटी बाद? ट्वेंटी से 30 इनहेल एक्सहेल करके फिर कुंभक लगा, ये राइट से लेके कुंभक लगा के फिर लेफ्ट से छोड़ते सर। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके लाभ, वात पित्त श्लेष्म हरम, ये तीनों दोष हो गया, वात पित्त और कफ, तीनों दोष को दूर करता है, त्रिदोष को समाप्त करता है, शरीर की अग्नि बढ़ाएगा, शरीराग्नि विवर्धनम, शरीर की अग्नि को दूर, जठराग्नि प्रदीप्त होती है ना, ये लाभ हो गया, ये ध्यान में आप रखोगे। अब क्या होता है, कुंडलिनी की भी चाग्री देखो, कुंडलिनी बोधकम क्षिप्रम पवनम सुखदम हितम ब्रह्म नाड़ी मुखे संस्थक कफाग्नि गण नाशनम। देखो कफ का भी दोषों का नाश करता है जो ब्रह्म नाड़ी, मतलब सुषुम्ना के जो मार्ग है ना स्टार्टिंग का, हमारे जो मूलाधार के पास उसको कहते हैं ब्रह्म नाड़ी का मुख, वहां पे जो कफ जमा है उसको भी दूर करेगा, तभी तो कुंडलिनी का जागरण होगा, है ना, तो कुंडलिनी जागृत होगा, और जो भी कफ जमा है सुषुम्ना के मार्ग में उसको दूर करता है, और ये क्या है, सुख देने वाला है, हितकारी है, सुखदाई है ये, ठीक है, तभी ये ब्रह्म नाड़ी में प्राण ऊर्जा प्रवेश करेगा। ओके जी, तो लाभ हो गया कुंडलिनी जागरण, ब्रह्म नाड़ी में जो स्थित मल का द्वार है, ब्रह्म नाड़ी के मुख पे जो मल जमा है, कफ जो जमा है उसको नाश करता है, ये मुख्य पॉइंट्स, ये याद आप रखेंगे। और क्या कह रहा है कि सम्यक गात्र समुद्भूत ग्रंथि त्रय विधि, आप देखो तीन ग्रंथि होते हैं, कोई बता सकता है कौन कौन से ग्रंथि है? ब्रह्मा विष्णु रुद्र विष्णु ये जो ग्रंथियों का भेदन भी करता है, त्रय अभी देखो, मतलब तीन जो ग्रंथियां है, ब्रह्म रुद्र और विष्णु, ये जो ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में अलग अलग स्थान पे, उनका भी भेदन करता है ना, इसीलिए इसका अभ्यास करना चाहिए, विशेष रूप से इसका अभ्यास करना चाहिए, तीन ग्रंथि का भेदन, ये आप ध्यान में रखोगे। समय कितना हो गया है, पढ़ाएं आगे भ्रामरी, ये खत्म कर देते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी कई बार प्रश्न देखने को मिलता है। अथ भ्रामरी वेगात घोषम पूर्णकम, ये बताओ भ्रस्तिका समझ में आ गया ना सबको? सर, लास्ट वाला एक बार फिर बता सकते हैं? अरे बिल्कुल बता सकते हैं, कौन सा? ये ना देखो, तीनों ग्रंथियों का भेदन करता है, इसलिए इसका विशेष रूप से अभ्यास करना चाहिए। शरीर में तीन ग्रंथियां अलग अलग स्थान पर स्थित है, ठीक है, तो इसके अभ्यास से आप ग्रंथियों का भी भेदन करते हैं। ओके, कुंडलिनी जागृत होगा तो ऑटोमेटिकली ग्रंथि का भेदन होगा, ये मान के चलिए, क्योंकि उसके ही मार्ग में आता है ये, कुंडलिनी जब जागृत होती है ऊपर की तरफ उठता है, सुषुम्ना में प्रवाहित होता है प्राण ऊर्जा, तो उस मार्ग में ही हमारे ग्रंथियां हैं, है ना, सात चक्र है ना, उसी सातों चक्र के मार्ग में ही ये ग्रंथियां स्थित है।
ग्रंथि, तीनों ग्रंथियों का भेदन। ओके समझ में आ गया। अब हम भ्रामरी देखें, अथ भ्रामरी, बड़ा महत्व है ये ही एक ऐसा ग्रंथ है जहां पे भ्रामरी की इस तरह की व्याख्या है। आप कहीं देखोगे ऐसा व्याख्या आपको नहीं मिलेगा कि वेगात घोषम पूर्कम भृंग नादम भृंगी नादम रेचकम मंदम मंदम योगिंद्रा ना मेव अभ्यास योगात चित्ते जाता काचित्त आनंद लीला। अब मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जब आप वेग पूर्वक है ना श्वास अंदर पूरक लेंगे तो कैसा साउंड होगा, भृंग नाद, मतलब मेल बी का साउंड होगा। मेल दो तरह के होते हैं ना, मेल फीमेल, तो भृंग नाद मतलब मेल बी साउंड क्रिएट होगा। और जब आप रेचक करेंगे ना श्वास बाहर छोड़ेंगे तो भृंगी नाद मतलब फीमेल बी साउंड क्रिएट होगा, है ना। भ्रमरी भावरा, इसको हम भावरा कहते हैं, भावरा, और यह भावरी, भावरी के साउंड क्रिएट होगा फीमेल। और धीरे धीरे रेचक करना है, मंदम मंदम धीरे धीरे रेचक करना है। और इस प्रकार का जो अभ्यास है योगिंद्रा में, योगियों में भी उत्तम साधक के चित्त में इसके अभ्यास से, योगिंद्रा में अभ्यास योगात, इस अभ्यास के माध्यम, इस अभ्यास उत्तम साधकों के चित्ते जाता कदाचित लीला, उनको अपूर्व आनंद चिदानंद की प्राप्ति होता है ना, आनंद अपूर्व आनंद अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति होता है, चित्त बिल्कुल शांत स्थिर आनंदमय। ओके जी, आप जब भी अभ्यास करते हो तो आपका क्या होता है, पूरा एकदम सुन्न हो जाता है ब्रेन, अपर जो हमारा गर्दन से ऊपर का जो है मस्तिष्क पूरा शांत हो जाता है, अलग तरह का साउंड क्रिएट होता है। तो ये चीजें हैं, तो आनंद की प्राप्ति है ना। तो साउंड याद रखना है आपको, इनहेलेशन में कौन सा साउंड, एक्सहेलेशन में कौन सा साउंड, ये पॉइंट्स एग्जाम में खासकर आता है। भावरी के दौरान किस तरह की साउंड क्रिएट होता है इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में भ्रामरी प्राणायाम के दौरान। तो ये समझ में आ गया, ये ध्यान में रखना है, लाभ भी आपको मैंने बता दिया। और मूर्छा है, मूर्छा प्लावनी दो चीजें हैं, चलो इसको आगे कल देखते हैं मूर्छा। हेलो, हाँ पूछिए। हाँ जी सर, भ्रामरी का और एक बार बता दीजिए। भ्रामरी का ना आप साउंड डिफरेंस बता सकते हैं कि कैसे, मतलब कैसे टाइप का? अब क्या है ये, तो बड़ा कैसे मैं आइडेंटिफाई करूं इसको, ये मेल है कि, अब सांस लो महसूस करो कि भाई ये, इनहेल करो तो भाई मेल साउंड, एक्सहेल करो तो फीमेल साउंड, बस अलग तरह का ऐसे ही, मतलब आप देखो सर जब हम इनहेल करते हैं, आवाज करते हुए इनहेल करते हैं ना तो थोड़ी साउंड मोटी आती है, और जब एक्सहेल करते हैं तो थोड़ी बारीक आती है नेचुरली। हाँ बस वैसे ही, जैसे लड़कियों की आवाज कैसे रहती है तो ही हो जाएगा वैसा। देखो लड़की के साउंड कैसा रहता है, प्यारा कोमल, लता मंगेशकर की जैसी आवाज रहती है, और फीमेल जो होता है वो थोड़ा सा भारी आवाज रहता है उनका, है ना। तो जब आप सांस लोगे तो आपकी साउंड जो है थोड़ा सा भारी रहेगा, और जब आप सांस छोड़ोगे मंद, इसलिए कह रहा मंदम मंदम, उस इनहेलेशन में मंदम नहीं था, आपने गौर किया, इनहेलेशन में मंदम नहीं था, एक्सहेलेशन में मंदम था। तो जब आप धीरे धीरे छोड़ोगे ना तो भावरी के जैसा साउंड क्रिएट होगा, सुरीली आवाज आएगी, और इनहेल करोगे तो थोड़ा सा बेसुरा आवाज आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा, कुछ प्रश्न पूछ रहे। हाँ ज्योति जी, अरे इसके भ्रामरी के लाभ एक बार रिपीट कर दो। इदानंद की प्राप्ति होती है ना, चित्त आपका साइयों को आनंद की प्राप्ति होती है, बस याद रखना। ठीक है, क्लियर है। कल हम मूर्छा प्लावनी और बाकी सहित प्राणायाम भी देख लेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। मैं कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ, आपका थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, है ना? पूछूं? रिकॉर्डिंग बंद कर। हाँ बताइए, पूछिए पूछिए। बंद को सीरीज में लगाना आएगा, तो कल आपने करवाया था पहले जालंधर बंद लगेगा, उसके बाद उद्यान और मूल, और जब हमें मतलब ये बोला जाए कि प्राण जब सुषमा में प्रवेश करती है तो उसमें हम क्या जालंधर बंद मूल बंद और उद्यान। सुन लीजिए, गलत आपने सीरीज बोला। पहले क्या था तेजस, पहले क्या था? सॉरी सर, मैंने सुना नहीं। अरे सिंपल, जालंधर बंद, सेकंड फिर मूल बंद, मूल बंद फिर उद्यान बंद। ठीक है सोनी जी, सर ये तो तब था ना जब प्राण ऊर्जा हमारी सुषमना में प्रवेश करती है, ये तो आपने बाद में बताया था। हाँ, जब हमें मतलब ये दिया जाए कि प्राण ऊर्जा जब सुषमना में प्रवेश करती है तो सीरीज क्या रहेगा, ये हाँ, चीज तो उसमें थी सर। हाँ, लेकिन उससे पहले आपने कल बताया था, उसमें पहले ये बताया था सर, पूरक के अंत में हम जालंधर बंद लगाते हैं फिर होल्ड करते हैं, और रेचक करने से उससे पहले, रेचक करने से पहले फिर हम उड्यान बंद लगाते हैं, वो वाली चीज पूछ रही हूँ सर मैं। हाँ, ये दो ही चीज था उसमें ना, मूल मूल बंद की चर्चा नहीं थी, आपने गौर किया होगा। जब हमें दो ही बंद लगाने हैं ना इस तरह से, तो फिर ये ठीक है, लेकिन जब तीनों बंद की बात जब आए तो ये सीरीज होगा सिर्फ। हाँ सर, बस यही थी मैं वो तो। हाँ तो उसमें क्या दिक्कत है, वो तो आसान है, उसमें क्या दिक्कत थी? उसमें क्या समस्या सर? हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सर, वो जो भ्रमर और भ्रामरी के जो एक किताब में देखा कि भ्रमर के साउंड अच्छा होता है और भ्रामरी के साउंड, मतलब फीमेल बी के साउंड थोड़ा अलग होता है, मतलब मनुष्य के जैसा होता है उसका विपरीत होता है, ऐसा कह रहे हैं आप? सही है, ऐसा हो सकता है, बट यहाँ पे डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि अब कैसा साउंड है वो तो मुझे नहीं पता कि भाई कैसा साउंड निकलेगा, भौंरे कैसे आवाज निकालते हैं, फेन और मेल और फीमेल, ये तो मुझे नहीं पता। बट अब जैसा भी हो, इनहेलेशन आपको जो है भवरा है, एक्सहेलेशन भवरी है, और धीरे धीरे करना है। अब आवाज सुरी, हाँ ये चीजें हैं, ये ध्यान रखना है, बाकी साउंड कैसा भी हो, लता मंगेशकर के जैसा हो या फिर व्हाटएवर जो भी हो, मतलब ठीक है, बस ये चीज है। मैं बस मैं समझाने की दृष्टिकोण से कहा है और कुछ नहीं। श्लोक में क्या है बस उस पर फोकस करके याद रखिए, है ना? और कुछ कुछ पूछना है सर? ब्राह्मरी का जो योगेंद्र का, मतलब जो आपने तीसरा लाभ बताया, वो रिपीट कर सकते हैं? योगेंद्र का मतलब क्या होता है? एक श्रेष्ठ योगी जो है उसको योगेंद्र कह रहे हैं, ठीक है, श्रेष्ठ योगी को, तो उनके लिए है कि योगेंद्र नामेव अभ्यास योगाति, यो जो श्रेष्ठ योगी हैं उनके इसके अभ्यास से उनको क्या होगा, उनका चित्त जो है आनंद, उसका चित्त आनंद की प्राप्ति करेगा, ये चीज है ना, आनंद लीला ना, आनंद लीला हो जाता है, मतलब आनंद की प्राप्ति, अपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी उस साधक को, उत्तम साधक को। ठीक है, ठीक है ना? वॉइस ब्रेक हो रहा है, सबको ब्रेक हो रहा है क्या? और किसी को कुछ पूछना पूछ लो। हाँ मैं सोच रहा था कल, कल या परसों टेस्ट रहेगा, कल ओके, कल ले लूं टेस्ट आप लोगों का,
ओके सर, यस सर। सेकंड उपदेश का ना, प्रथम उपदेश का टेस्ट रहेगा 8 बजे से रहेगा, 10 मिनट का टेस्ट रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा, 8:15 से फिर हम अपनी लेक्चर स्टार्ट करेंगे सर। कल 8 से अपना कल फिर लास्ट में नहीं कर सकते क्वेश्चन आंसरिंग? नहीं वो टेस्ट है ना, टेस्ट देना है आपको, लास्ट में नहीं कर सकते लास्ट में, क्योंकि क्या है ना कि जब मैं क्वेश्चन दूंगा ना तो वो डिस्कस भी कर लेंगे अपन, या फिर सैटरडे कर लो, अगर आज नहीं करना सैटरडे करा देंगे तो। जब बोलिए आप, तो जब भी रखिए 8:30 के बाद रखिए ना क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन। 8:30 के बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है वो रागनी, वो मैं टेस्ट है, आपको टेस्ट अटेंड करना है, वो मैं पूछूंगा नहीं आपको ना, गूगल फॉर्म जाएगा ग्रुप अच्छा। में गूगल फॉर्म जाएगा, उसको अटेंड करना है, आंसर देना है, दैट्स इट। 10 मिनट आपको देना है, फिर 10:15 बजे से एक लेक्चर है। हाँ प्रथम उपदेश का रहेगा, फर्स्ट उपदेश का। ओके सर, 8 से 10, 8 बजे से लेके 8:10 तक रहेगा, 8:15 बजे आप ज्वाइन हो जाइए, और फिर हम उसको एनालिसिस भी करेंगे, टेस्ट देना ही बड़ी बात नहीं, उसको हम एनालाइज भी करेंगे कि आपने टेस्ट दिया ये स्कोर हुआ ये आंसर है इस तरह से, ठीक है जी सर। ओके जी सर, 8 बजे से रहेगा कल, मैंने बता दिया, आप रिविजन कर लीजिएगा, रिविजन ऑलरेडी मैंने करा दिया है, सबको देना अनिवार्य है, जिनका फर्स्ट लेक्चर है उनका भी, उनको भी देना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि सर हमने पढ़ा नहीं है तो फिर कैसे देंगे, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, ओके फिर शांति पाठ कर लेते हैं, रागिनी जी शांति पाठ करा दो आप। कल क्वेश्चन आंसर कर लेंगे एक साथ। सर एक्चुअली क्या है, 8 बजे एग्जैक्टली मैं निकलती हूँ, तो 15 मिनट में रास्ते में रहती हूँ, इसीलिए थोड़ा लेट निकल जाना, 10 मिनट कहीं okay. बैठ जाना ओके okay, सर ठीक है, मैनेज करना पड़ेगा ना, 10 मिनट की बात है, कहीं बैठ जाना साइड में, बस गूगल फॉर्म है उसको करना है, दैट्स इट, ज्वाइन करना, ठीक है ओके okay, शांति पाठ कराइए। एवरीवन सीट इन एनी कंफर्टेबल पोजीशन, कमर गर्दन सीधी रहेगी, एक बार ओम का उच्चारण करके फिर ओके भूर्भुवस्व तस्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति, थैंक यू, ओके शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर, मौज में रहिए, थैंक यू सर, हरे सर प्रणाम सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन जिन्होंने नहीं भेजा थैंक यू।
लेफ्ट को जाना है क्या? अभी आयुर्वेद का क्लास है आई थिंक। हेलो, ओम नमस्ते सभी को। नमस्ते सर, हरिओम। हाँ, मेरे को 5 मिनट दे दीजिएगा, मैं 5 मिनट में ज्वाइन हो रहा हूँ। एक बार आप लेफ्ट हो जाइए, रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी, सभी लेफ्ट हो जाएं, ठीक है? मैं 5 मिनट बस गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, मैं 5 मिनट में। ओके।